ये सारी तस्वीरें पर सिर्फ औरतों की हैं सारे? हाँ, यही मेरी फैमिली है, और कौन होगा? पीहू के पिता कह रही थी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन लवली ने उनके बारे में कुछ कहा नहीं है। वो कैसा इंसान है? वो इतनी प्यारी बच्ची है पीहू, और लवली भी इतनी मेहनती हार्ड वर्किंग है, वो डिजर्व ही नहीं करता, वो सही इंसान नहीं है लगता है मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और पीहू और लवली को बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि उन लोगों को जरा कहीं उस आदमी की बात तो नहीं करी जिसे मैंने सुबह देखा था। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, कंपटीशन में हेल्प करो ना। अब देखना मैं कैसे शुभम को सही रास्ते पर लेकर आती हूँ। शुभम, अरे प्रिया, उसने तुम्हें देख लिया ना तो नंदिनी आंटी को बोल देगा। नहीं नहीं, मैं छुप जाती हूँ, इन्हें नहीं पता चलना चाहिए। ओके, प्लीज हैंडल कर लो। अरे शुभम, क्या बोलता है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मैंने मजाक उड़ाने की? मजाक? हमने कहा मजाक उड़ा? झूठ मत बोलो, विक्रांत से गलती से कॉल लग गया था, मैंने पूरी बात सुनी है, सो डोंट लाइ। अरे हाँ भाई, मानते हैं, चल ठीक है, उड़ाया तेरा मजाक, तू क्या गलत किया? अगर तुझे लगता है कि राम के बिना मिस्टर सिंघानिया को तू कन्विंस कर सकता है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में, तो प्रूव करके दिखा, या मीटिंग कर ले अकेले। क्या शुभम? नो वेट। हेलो हेलो मिस्टर सिंघानिया। यस शुभम है। मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया कि जो मीटिंग 4 बजे होने वाली थी वो कन्फर्म है। थैंक यू। क्या हुआ सिड, क्या कुछ भूल गए थे क्या? वहां कहां जा रहे हो? सिड, क्या कर रहे हैं? चल मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना। हाँ आ रहा हूं। क्या जा प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ना, अच्छे से करना प्रिपेरेशन। अबे थैंक गॉड बच गए यार। लेकिन शुभम नहीं बचेगा, उसका बुरा वक्त और मिस्टर कपूर का अच्छा वक्त अब साथ में शुरू होगा। कैसे कैसे होगा प्रॉफिट जब आप लोग के टारगेट्स ही क्लियर नहीं है? जब तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो ये मीटिंग लीड क्यों कर रहे हो? मैंने इस डील का हिस्सा बनने के लिए हाँ सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे लगा था बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी मिस्टर राम संभालेंगे। मार्केट में जो तुम लोगों की रेप्यूटेशन है ना, वो क्यों है ये साफ दिख रहा है मुझे। अब मुझे मिस्टर राम से मिलना है, कहाँ है वो? चलो अच्छी बात है, किसी ने तो आईना दिखाया इस बेवकूफ को। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन राम की रेपुटेशन का सवाल है। उस क्लाइंट की शक्ल देख रहा है, टमाटर जैसी लाल हो गई। सिचुएशन खराब हो उससे पहले राम को एक फोन कर देता हूँ। हाँ दी, क्या हुआ? राम जल्दी ऑफिस आ जा प्लीज, ये शुभम क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है लेकिन सब गड़बड़ कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी आ प्लीज। मिस्टर करुस चलो ना, मेरी स्पीच रेडी करनी है। क्या करूं यार, एके पीयू की हेल्प तो करना चाहता हूं लेकिन शुभम मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। इट्स ओके, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं पीयू की स्पीच लिख दूंगी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। नो आई डू, आई रियली वांट टू, बट शुभम की मीटिंग है और उसे भी मेरी जरूरत है, मैं क्या करूं? आपने अपने कंफ्यूजन का जवाब खुद ही दे दिया है, ये मीटिंग शुभम सर की है ना, तो उन्हें हैंडल करने दीजिए, आप वहां रुकिए जहां आपका दिल कहता है। शुभम को मेरी जरूरत है? नहीं, उन्हें जरूरत है तो आपकी मदद, आपके सपोर्ट के बिना कुछ करने की। हाँ लेकिन शुभू बच्चा है, वो खुद नहीं कर पाए। बच्चे ये है मिस्टर कपूर। सर बस 5 मिनट, राम आता ही होगा। आई कांट वेट मोर, आई एम डन। क्या? जिस इंसान को एक प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता ना, ऐसे इंसान के साथ काम करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
मिस्टर कपूर क्लियरली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, अदरवाइज इस समय वो यहाँ होते। और अब इस प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। सर डन। सर मिस्टर सिंघानिया, सर तुम दोनों ने क्या नहीं, सब तुम दोनों की वजह से हम नहीं आ रहे। हद में है, तू समझा ना? गाइस जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दे, बच्चा है क्या तू? राम यहाँ पे क्यों नहीं आया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे आना उसके लिए कोई जरूरी नहीं था। और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना, अगर किसी को भी उसके लिए ब्लेम किया जाएगा ना तो तुम्हें, समझे तुम? मीटिंग करनी थी ना शुभम, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। तुमने तैयारी की नहीं, हमने तुम्हें कहा कि मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे ईगो में, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस में तुमने बोला नहीं करेंगे, तो कर लो। और तो और तूने तो राम की रेपुटेशन की ऐसी तैसी कर दी। तुम मुझे से क्या रेपुटेशन क्या होती है? हां तुम दोनों सिखाओगे? आदि आदि छोड़ना है, छोड़ दिया भाई, तुम दोनों मैं दिखाऊंगा। चल 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 चल, क्या देखेगा तू? छोड़ना उन लोगों को। तू अच्छी तरह से जानता है तेरा भाई अपने दोस्तों की बातों में आकर ऐसा कोई काम नहीं करेगा। You need to understand. हमारी पीठ पीछे कोई हमसे भी बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। I want you to calm down and relax. Think with a straight mind. सोच जरा। सबसे पहले नंदिनी आंटी को कॉल कर और उन्हें ये सब बता। इस वक्त सिर्फ वही हमारी हेल्प कर सकती है। हेलो। हेलो मॉम। भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। वो मेरी मीटिंग के लिए नहीं आए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? राम ऐसा नहीं कर सकता। अरे किया है मॉम, आपको क्या लगता है मैं नशे में हूँ जो ऐसा बकूंगा अभी? रिलैक्स शुभू, ओके तुम शांत हो जाओ, मैं राम से बात करूंगी, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ है मॉम, वो बदल चुके हैं, भले उन्हें कुछ याद ना हो लेकिन अब उन्हें हमारी परवाह नहीं है जैसे पहले थी। यू गेट इट? इनफैक्ट मुझे तो लगता है उन्हें सब याद है। व्हाट डू यू थिंक मॉम, कहीं वो एक्टिंग तो नहीं करें अपनी याददाश्त खोने की? क्या बकवास कर रहे हो तुम शुभू? मैंने कहा ना मैं राम से बात करूंगी, काम डाउन। या फाइन। क्या हुआ? पानी 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 पी लीजिए आराम से। राम कहाँ हो तुम? हाँ तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम क्यों नहीं गए मीटिंग में? वाह तुम्हारे उस क्लाइंट ने शुभू की इतनी इंसल्ट की है। तुम जानते हो कि वो कितना सेंसिटिव है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस सिचुएशन को सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। मुझे शुभू की बहुत फिकर हो रही है राम। हम आप चिंता मत कीजिए, मैं शुभम से बात कर लूंगा। ओके आप अपनी ट्रिप एंजॉय कीजिए। शुभू परेशान है इस बात को सुन के। राम इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ राम, तुमने शुभू के साथ ऐसा क्यों किया? उसके बड़े भाई हो ना, तो हमेशा उसके साथ रहे हो, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो शुभू से ज्यादा जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? और ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज भी शुभू के साथ ही हूँ, बस मैं इस मीटिंग के लिए नहीं गया। वैसे भी मुझे इस मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो शुभू की मीटिंग थी अपने इन्वेस्टर्स के साथ। शुभू सही कह रहा था, राम के साथ कुछ तो बदल रहा है। राम तुम शुभू को जानते हो ना? हाँ उसे इन सब चीजों में कम समझ है, और वैसे भी उसे तैयारी करने के लिए वक्त नहीं मिला। वक्त कभी होता नहीं है काम के लिए, वक्त निकालना पड़ता है। और 4 बजे की मीटिंग थी, उसका आधा दिन था ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। हम कब तक हम ये एक्सक्यूजेस देते रहेंगे? He has to now own up, right? उसे हैंडल करना पड़ेगा ये सब कुछ। ओके ओके मैं समझती हूँ कि शायद उसे करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि तुम जानते हो उसे, वो ये सब कुछ संभाल नहीं पाता, जिम्मेदारियाँ उसके लिए बहुत बड़ी है। और वैसे भी तुम ही ने तो सब कुछ संभाला है ना हमेशा। कब तक ये चलेगा? उसकी उम्र में ना मैं सारा बिजनेस संभालता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे सब सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, लेकिन अपने काम की तो ले। कब तक दूसरे उसका काम हैंडल करते रहेंगे हम? शुभू हैज टू स्टैंड अप, ओके? उसको उसे अपना काम खुद करना पड़ेगा। और मैं सिखाऊंगा उसे। बहुत वक्त हो गया है। अब नहीं, अब मैं शुभम को सिखाऊंगा। वक्त आ गया है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, ओके? शुभम को इस हद तक पैम्पर करने की गलती मेरी थी। अब वो मुझ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर गलती मुझसे हुई है तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। शुभम को मैं रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाऊंगा। कैसे कैसे करोगे तुम? अपने क्लाइंट को गवा के शुभम को कुछ सिखाने के लिए तुम अपनी रेपुटेशन दांव पे लगाओगे? आप चिंता मत कीजिए मां, राम कपूर ने पैसों के साथ इज्जत भी कमाई है,
और कुछ अच्छे दोस्त भी। मैं सिंघानिया साहब से बात करूंगा और शुभ को एक और मीटिंग दिलवाऊंगा, लेकिन डील उसे अपने बलबूते पे जीतनी होगी। आई मेक श्योर वो इस बार मीटिंग में फुल प्रेपरेशन के साथ जाए। ठीक है राम, शुभ तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हें लगता है कि उसके लिए यही ठीक है तो यही सही। प्लीज भाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मेरी बात सुनेगा? क्यों क्यों सुने, यहाँ आप एमडी नहीं है, यहाँ आप मेरे भाई हैं। क्या ऐसे ही कुछ कहा था ना आपकी उस एक्सपीए ने? उसने गलत नहीं कहा था। हाँ ऑफ कोर्स, गलत तो मैं हूँ और पूरी की पूरी दुनिया से ये। बट गेस व्हाट, ना तो ये आपका ऑफिस है और ना ही मैं यहाँ आपका एम्प्लॉय, यहाँ मैं आपका भाई हूँ। और भले आप मुझे सौतेला समझते हो, लेकिन हो तो आप मेरे भाई ना। और आज ना इस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया, उसका साथ ना देके। इसलिए आपने जो मेरे साथ ऑफिस में किया ना, वही मैं आपके साथ इस घर में करूंगा। चलो तेरे भाई का नहीं एमडी का फोन है, उठा ले। शुभम क्या तुम तैयार हो सिंघानिया साहब के साथ एक और मीटिंग करने के लिए? क्योंकि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करूंगा, लेकिन इस बार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग हैं। ना मैं ना आदि, सिर्फ तुम। हेलो, आज छुट्टी के दिन तुम मुझे याद कर रहे हो? हाँ कहा था मैंने, लेकिन लवली किसी भी बिजनेसमैन पे भरोसा नहीं करती है। अरे आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए मुझे जॉब सिक्योरिटी तो चाहिए ना। ये जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आ जाओ ऑफिस, आ जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन कर देंगे। अच्छा ऑफिस आ जाऊँ अभी? मैं पीहू को अकेले छोड़कर नहीं आ सकती ना, वो घर पे अकेली रह जाएगी। फिर हमें उसके कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने हैं, वो सब कैसे होगा? अरे हाँ तो एक काम करो ना, उसे भी लेके आ जाओ। मैंने वैसे ही उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैं पीहू को लेके ऑफिस आ रही हूँ। ओके बाय। पापा को ऑफिस कितना बड़ा लग रहा है ना, कोई नहीं है इसलिए। आउच! अरे क्या हो गया? ये आवाज किसकी है, जानी पहचानी सी है। अरे शुभम 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 कहाँ जा रहा है, लिफ्ट आ गई है, चल चल चल। एक मिनट एक मिनट, वो लवली सिंह है ना? कौन? हाँ हाँ वही है, चल। वो यहाँ क्या कर रहा? अरे अपने दो दिन के काम के पैसे लेने। अरे कौन से पैसे, और उसे हम पैसे क्यों दे रहे? मैं उसे भी यहाँ से निकालता हूँ। अरे यार तू उसकी छोड़, तू अपनी मीटिंग की देखना, तू क्या कर रहा है? कितनी बार कहा है नीचे देख के चला करो, बात नहीं सुनते हो आप। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं चलो। वाओ मिस लवली सिंह, सो लवली टू सी यू। मुझे लगा था मेरे वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई थी, तो तुम एक्चुअली वापस आई हो राम भैया के लिए काम करने। कहीं इसने पीहू को पहचान तो नहीं लिया? ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची कौन है? हाय। ओ सिड ने पीहू को नहीं पहचाना, मैं तो भूल ही गई थी, वो कैसे पहचानेगा, वो कभी पीहू से मिला ही नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ ऑफिस में है तो शायद शुभम भी यही होगा। अगर शुभम का पीहू से सामना हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं ये रिस्क नहीं ले सकती मैं, मुझे जाना होगा यहाँ से। मिस्टर कपूर से कह दूंगी कि कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाई। चल लिफ्ट आ गई। आई एम श्योर तुम लोग ऑफिस की तरफ ही जा रहे थे। लेडीज फर्स्ट। एक्सक्यूज मी एमडी साहब, आप उस पीए के पैसे क्लियर करने के लिए मुझसे वेट नहीं करा सकते प्लीज। और वैसे भी आप उसे पैसे क्यों दे रहे हैं? कौन से पैसे क्लियर करने, क्या बोल रहे हैं तुम? शांत हो जा प्लीज भाई, मैं जानता हूँ आप हमारे पीठ के पीछे उस पीओ को कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, अब इसलिए आदि ने मुझे उसे मिलने नहीं दिया, राइट? एक सेकंड, मैं किसी को कॉम्पेंसेट क्यों करूंगा जब मैं उसे फिर से रीहायर कर रहा हूँ? आप उसे ऐसे कैसे हायर कर सकते हैं? आपने मॉम और मुझसे तो डिस्कस किया ही नहीं इसके बारे में। ये मेरी है, मैं उसे हायर करूँ रीहायर करूँ, व्हाट्स द बिग डील? बिग डील है भाई,
उसकी वजह से वेदिका रोई थी, परेशान हो गई थी। आपको तो उस लवली का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वेदिका के साथ? कोई गलती नहीं, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उसे कैसे पता सेट कौन होगा यार? अगर किसी की गलती है, मेरी है, मुझे उसे बताना चाहिए। आप उसे हायर करने में क्यों इतना इंटरेस्टेड है? जवाब चाहिए ना तुझे? क्योंकि शी इज ऑनेस्ट, शी इज गुड, शी इज सिंसियर, शी इज गुड एट अ जॉब, ओके? और एक सेकंड, उसने जो गलती की है, छोटी सी गलती है, वो अनजानी में हुई। तू उसे जज कर रहा है? तू? हाँ? वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तू पहले ना अपनी मीटिंग पे फोकस कर। यार शुभम, तू राम से ऐसे बात मत कर। तेरी मीटिंग की बात है ना, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। चल, हाथ आला। अपने चमचों से कहो मुझसे दूर रहे, मेरे मुंह ना लगे और मुझसे बात ना करें। ज़बान संभाल कर शुभम। इसने संभाल संभाली अपने बॉस और अपने बॉस के भाई के बीच में बात करने से पहले, और ये जो आपको इंप्रेस करने के लिए बीच बीच में भौंकते रहते हैं ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनाफ शुभम। गॉड, शुभम क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी बदतमीजी अपने दोस्तों के लिए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आधी और देखी से माफी मांगो, माफी मांगो, वरना निकलो यहां से। आप अपने भाई को अपने दो कौड़ी के नौकरों के सामने माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? शुभम चुप हो जा, क्या कह रहा है? नहीं, मैं उस जूनियर एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं जिसने आज तक इस कंपनी के लिए कुछ नहीं किया है। मैं उसे इस कंपनी के सीनियर से माफी मांगने के लिए कह रहा हूं, इस कंपनी का सीईओ और इस कंपनी का सीएमओ। तो आप कह रहे हैं कि मैं यूजलेस हूं? ये सवाल ना तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है इस कंपनी के लिए जो ये प्रूव कर सके तुम इस कंपनी के लायक हो। तुम्हें क्या लगता है, लवली को अपना काम नहीं आता ना? तुम्हें आता है? उसे आए यार महज दो दिन हुए और तुम्हें कितने सालों से काम कर रहे हो, सीखा है क्या तुमने? मेरे बिना ना मीटिंग रन करना नहीं आता तुम्हें, क्लाइंट से बात करनी नहीं आती, प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बजाय लवली को यहां से निकालूं? पहले तुम्हें निकालना चाहिए मुझे। माफी मांगो, होना निकलो यहां से। सॉरी माय शुभम, रुक। गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा शुभम, जस्ट काम डाउन। आप टेंशन में हो? हाँ थोड़ा सा हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छा, और उस बड़ी वाली टेंशन का क्या होगा जिसे तुम अपने साथ लाई हो? वेरी रूड मिस्टर खरूस। ओके, वैसे कहाँ है तुम्हारी टेंशन? मामा कहाँ है? अपने टेबल पे कुछ काम करके बुलाओ। नहीं, वो हम ही चलते हैं ना उनके पास। वैसे भी मुझे तुम्हारे डायलॉग्स रिहर्स करवाने हैं तुम दोनों के। मैंने ना कॉन्फ्रेंस रूम खुलवाया है ताकि बहुत जगह हो, क्रिकेट भी खेलेंगे। चलो लेट्स गो, कम ऑन। रुको, पहले मुझे आपको कुछ बोलना है, बैठो। ओके, बैठ गया मैं। मेरा मन ने बताया रामायण में हनुमान जी ने सीता जी और राम जी को मिलवाया था, जैसे मम्मा बन गई है सीता जी और मैं बनूंगी हनुमान जी, तो क्या आप मेरे राम जी बनोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता ना। पर ऐसे क्यों? मजा आएगा ना, प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा आप पार्ट लोगे तो। अरे बच्चे पीऊ, पर मुझे आपकी मम्मा से बात करनी पड़ेगी, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो। बुरा क्यों लगेगा मम्मा को? उन्होंने तो आपको अलाउड किया मेरी हेल्प करने के लिए, ये भी हेल्प ही ना, मम्मा मना क्यों करेगी? अगर आपके डैड को अच्छा नहीं लगा तो? आपको जानना है मेरे डैड क्या सोचेगी? हाँ। वो कहेगी कि बेस्ट आइडिया। मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आएगा कि उनकी जगह मैंने ले ली? What? तो ये तुम्हारी सच्चाई? सिर्फ एक डिप्लोमा किया है तुमने और कोई खास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं, फिर भी राम कपूर जैसे इंसान के दिमाग के साथ खेल गई, कैसे? और उससे बड़ा सवाल है कि क्यों? ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। लेकिन शुभम सर, उसकी चिंता मत करो, वो बस अपनी मीटिंग को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब है, वरना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसे हायर कर रहा हूँ किसे नहीं।
रमा, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ अपने मम्मा पापा को मिलवाने का। शुभम चाचू दादी मम्मा पापा को अलग करना चाहता है, पर मैं उनको साथ रखूंगी हमेशा के लिए। टुगेदर। राम ने लवली सिंह को फिर से हायर कर लिया और अब वो अपनी इंसल्ट का बदला हमसे ले रही है। इससे पहले कि लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े, आप प्लीज वेदिका से कहिए कि उसके आगे अपने हाथ छोड़ लें। नंदिनी आंटी, यू वोंट बिलीव, राम ने शुभम को आदि और विक्रांत से माफी मांगने तक को कहा। डैमन इट, राम ने शुभम और सिट से कहा कि वो आदि और विक्रांत से माफी मांगे, इसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब प्रिया का किया धरा है, राम ऐसे नहीं बोल सकता। लेकिन कैसे वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है? ये लवली को ना हम बाद में देख लेंगे, हमें पहले ये देखना है कि प्रिया राम के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो फिर ये सब कैसे कर रही है, पता लगाना ही होगा हमें। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मिलना है उससे। क्यों? अब तक कम तकलीफ दिया है मेरी बच्ची को, जो यहाँ मिलने चली आई उससे, इसलिए वो बदला ले रही है ना, राम को अपने ही भाई के खिलाफ भड़का कर। बदला? कैसा बदला? आपको तो वो धन दौलत रुपए पैसे ये सब चाहिए थे ना, वो तो मिल गए होंगे, तो खुश रहिए। ओ, नहीं मिला, लगता है याददाश्त जाने के बावजूद भी राम का दिल जानता है कौन उसका अपना है, कौन पराया, किस पर वो भरोसा कर सकते हैं किस पर नहीं। वेदिका अंदर जाके देखो प्रिया कहाँ है, जाओ। इसलिए कहा था स्नीकर्स मत पहनो, अटक जाते। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और चीज है जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। क्या आप मेरे राम बनेंगे? मेरा मतलब है कि पीहू का कंपटीशन है ना, वो दिल से चाहती है कि उसमें आप राम जी बने मेरे साथ, तो क्या आप बनेंगे? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ये लो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, दैट्स द पेन एंड देखिए ना समय कब है, आज आप कहाँ खड़ी हैं? मेरे घर पे बिल्कुल डरी हुई, मुझे धमकाने आई हैं। कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि राम की याददाश्त जाने के बावजूद भी कहीं उन्हें आप लोगों का असली चेहरा याद ना आ जाए, और ये तो हो के रहेगा क्योंकि राम की मीरा माँ दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रहती है कि प्रिया और पीहू उन्हें याद आए ना आए, लेकिन आप लोगों की असलियत उन्हें जरूर दिख जाए। और एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इतना कॉन्फिडेंस, इसका मतलब प्रिया राम से जुड़ी हुई है और वो जरूर कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ कर रही है। थैंक यू, तुमने ये कंफर्म कर दिया मीरा। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम राम कपूर की पर्सनल असिस्टेंट बन गई हो, तो मैं तुम्हारा राम। ये क्या कहा मैंने अभी? मतलब वो स्किट में तुम सीता जी बनी हो तो मैं तुम्हारा, मैं राम जी। तो हाँ, पर एक कंडीशन है, हमें सारी मेहनत करके ये जीतना है। ओके ओके। यही वो जगह है जहां पे कल प्रिया पीहू के साथ जाने वाली है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आंटी प्रिया के मुंह से सच उगलवाने का। पीहू प्रिया की कमजोरी है ना, अगर हम पीहू को निशाना बनाएंगे तो प्रिया के मुंह से सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। पीहू बच्चे, क्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टीचर ने बोला और कोई स्टूडेंट के मम्मा पापा ने कंपटीशन की तैयारी नहीं की, अगर टीचर मुझे अलाउ किया तो
बाकी बच्चों के साथ चीटिंग होगी। सॉरी, ये तो चीटिंग है ना। आखिरी मिनट में रूल बदलना वो चीटिंग होती है। हाँ, हमारी क्या गलती अगर दूसरों के पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? तुम कर रही हो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। मैं ना जाके टीचर से बात करता हूँ। नहीं, 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 मिस्टर कपूर, आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है जो किए है। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होता है। और फिर बेटा, आप ये सोचो कि ये हमारा नया एडवेंचर है, हमें इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, हम बेहतर बनेंगे। और हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती है ना बेटा, और हमें इससे कुछ सीखना चाहिए इस सिचुएशन से, है ना? बोलिए। हाँ बच्चे, मम्मा सही कह रही है आपके। She's right. शुभु देख, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ प्रिया से डील करने आई हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? मैं प्रमाण दूंगा मेरे हृदय में मेरे प्यारे भगवान राम और सीता माँ है, वो मेरे हृदय में बसते हैं। तो आज के विनर है मिस बिहू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो स्टेज पर आए। अरे कवर बिहू चक्के मटे। अरे बढ़िया, ये भी आए, चल क्या रहा है? बिहू, आपका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। कौन है आपकी इंस्पिरेशन? वो दोनों जो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, जैसे राम जी और सीता जी कैसे हनुमान जी के दिल में रहते थे वैसे। लवली प्रिया है, ये कैसे हो सकता है? आप दोनों आओ ना मेरे साथ प्राइज लेने, जल्दी आओ ना प्लीज। क्या हुआ? इन तालियों के बीच आपको अपने हार की थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही होगी, है ना? एक तोहफा और है उस माँ की ओर से जिसकी बेटी की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। एक रिक्वेस्ट थी मैम, आज यहाँ पे बहुत खास गेस्ट आई हुई हैं। मिसेस नंदिनी कपूर, राम कपूर की माँ। आपको नहीं लगता कि आज अगर वो अपने हाथों से ट्रॉफी देंगी तो ये एक यादगार मौका रहेगा उनके लिए भी और उनके बेटे के लिए भी? मैम आइए ना नंदिनी जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.